देशव्यापी समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस ने बिजली पानी के बिल में संशोधन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि राफेल, बेरोजगारी, किसान, पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में हो रही दिनों दिन बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस में आक्रोश है। युवा कांग्रेस नेता शोएब मद्रासी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन के लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ और नकारा साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने 2014 के अपनी चुनावी भाषणों में जनता को झूठ बोल और बड़े बड़े सपने दिखाकर वोट तो हासिल कर लिया, किंतु अब वह विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी और बयानबाजी ही करते हैं। मद्रासी ने कहा कि देश में नोटबंदी, GST और राफेल अभी तक के सबसे बड़े घोटाले हैं और जब युवा सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार तानाशाही करते हुए उन पर लाठियां बरसाती है। साथ ही राज्य में बिजली के बिल आधे और पानी के बिल पूरे माफ करने के लिए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष यासीन कुरेशी, मोहसिन बेग, मयंक सुवालका, जावेद पठान, जितेंद्र, राकेश मोहम्मद कैफ, आशिक अली, शाहरुख खान मौजूद रहे।